अभी मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी आसमान तौलना बाकी है। गया के दो दिव्यांग इंटरनेशनल वॉलीबॉल खिलाड़ी राजेश कुमार और अशरफ अली कुछ इसी तरह के सपनों को संजोए हुए हैं। दोनों का चयन इसी साल नवंबर में ईरान में होने वाले पैरालंपिक वॉलीबॉल एशियाई ओलंपिक जोनल चैंपियनशिप के लिए हुआ है। दोनों खिलाड़ी भारत का परचम ईरान में लहराना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों के पास इतने पैसे नहीं हैं कि ईरान में जाकर चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकें। अब दोनों खिलाड़ियों को केवल सरकार से ही आस है। कि सर, उस चैंपियनशिप में हमें भाग लेने के लिए 1.5 लाख रुपए की जरूरत है। एक खिलाड़ी को? हाँ जी, एक खिलाड़ी को 1.5 लाख रुपए की जरूरत है, और हम दिव्यांग हैं, हमसे इतने पैसे की जरूरत हो नहीं सकता है। और हम चाहते हैं जिला प्रशासन, बिहार सरकार और गया के गणमान्य लोग हमें मदद करें। ईरान जाने के लिए 70,000 रुपए का टिकट, 8,500 रुपए वीजा चार्ट, 40,000 एंट्री फीस, ट्रांसपोर्ट और किट के लिए 20,000 रुपए और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस के लिए 10,000 चाहिए। यानी कि ईरान जाने के लिए एक खिलाड़ी पर करीब 1.5 लाख रुपए का खर्च है, लेकिन इनके पास 1.5 लाख रुपए नहीं है। लिहाजा अब ये दोनों खिलाड़ी सरकार और जिला प्रशासन से लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। 1,48,500 रुपए का इसमें एक आदमी पे लग रहा है। पूरे भारत में सिर्फ 10 आदमी का सिलेक्शन हो रहा है, उसमें 2 बिहार का, गया के जिला का, से दोनों में से किसी की स्थिति अच्छी नहीं है। तो आज तक जिला पदाधिकारी के यहाँ से कभी कोई हेल्प नहीं मिला, ना ही नगर निगम से कोई हेल्प मिला। राजेश कुमार के पिता ने बताया कि उनके बेटे ने दिव्यांग होने के बावजूद नेशनल स्तर पर कई मेडल जीते हैं। गया शहर के स्थानीय विधायक से भी कई बार मिले हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कोई मदद नहीं की। यहाँ के स्थानीय विधायक का सवाल पैदा यह है कि आज तक जितना बार भी गया है, आज तक मैंने 1 पैसे का मैं मदद विधायक के तरफ से नहीं हुआ, न प्रशासन के तरफ से हुआ है। वहीं इस मामले पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। आरजेडी ने बिहार के खिलाड़ियों की बदहाली को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। वहीं राज्य के मंत्री रामप्रीत पासवान ने दोनों खिलाड़ियों को मदद का भरोसा दिलाया है। जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के लिए चुने जा चुके हों, उसके लिए दर बदर 1.5 लाख रुपए के लिए टिकट के लिए भटकना, ये सिर्फ बिहार सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात नहीं है, देश की सरकार के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। इनको तो फौरन इनको हाथों हाथ लेना चाहिए था, और फिर ये उनकी चिंता नहीं होनी चाहिए, तो कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे, क्या अरेंजमेंट होगा, ये सरकार की चिंता होनी चाहिए। ये बिहार सरकार की चिंता होनी चाहिए थी, दिल्ली की सरकार की, हिंदुस्तान सरकार की चिंता होनी चाहिए थी। देखिए, लोग संपर्क में आएंगे तो निश्चित रूप से इनको मिलेगा, अभी तक हम लोगों के संपर्क में नहीं आए हैं। आदमी जब कहीं जिज्ञासा व्यक्त करता है, संपर्क होता है, तो निश्चित रूप से मिल जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग तो ऐसे भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं, और यदि वे लोग आते हैं तो हम लोग उनको व्यवस्था करेंगे। 2009 में इनके साथ भी इसी तरह का वाकया हुआ था, उस वक्त भी इनके पास पैसे नहीं थे, जिसके कारण ये नहीं जा पाए थे। फिर उसी तरह की स्थिति आज 2021 में इनके सामने खड़ी हो गई है। अब ये सरकार से और उस आम लोगों से भी गुहार लगा रहे हैं कि भारत के झंडा को बुलंद करने के लिए हमें भी एक मौका मिले और सरकार हमें मदद करे। गया से ईटीवी भारत के लिए स्वीट पर।